नमस्कार, मैं आचार्य मोहिनी भारद्वाज एस्ट्रो हेल्प के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे तलाक के बारे में और उससे बचने के कुछ उपाय के बारे में, क्योंकि हम सबके जीवन में हमारा एक सपना होता है कि हमारा समय से विवाह हो जाए और फिर विवाह होने के बाद भी हमारा विवाहित जीवन सुखद रूप से बीते, क्योंकि पति पत्नी के बीच में हमेशा क्लेश बना रहेगा, वाद विवाद बना रहेगा, तनाव बना रहेगा, तो जीवन सुखद भी नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इतना प्यार होता है आपस में, लेकिन फिर भी अहम की भावना के चलते या किसी छोटी सी बात के चलते भी जीवन में तलाक तक की नौबत आ जाती है और प्यार की जगह नरक सा ऐसा जीवन बन सकता है कि घर में रहने का मन भी नहीं करता। तो आइए हम जानते हैं कि क्या हमारी कुंडली में ऐसे योग हैं, या उनसे बचा जा सकता है, या कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि जीवन में तलाक की नौबत भी ना आए, या अगर आपके जीवन में ऐसी नौबत आ भी चुकी है तो आप कुछ ऐसे उपाय करिए जिनसे आप बच सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुंडली में ऐसे क्या योग है। कुंडली में सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी को विवाह के लिए देखा जाता है। शुक्र और गुरु दोनों ही विवाह के कारक हैं, जो कि हमें बहुत ही सुख देते हैं, और विवाहित जीवन का सुख अगर बना रहता है तो इन्हीं दोनों ग्रहों के कारण ही बना रहता है। अगर इन दोनों ग्रहों की स्थिति केंद्र या त्रिकोण में शुभ है तो हमें सभी अरिष्टों से बचा लिया जाता है। नवांश कुंडली, जो कि जन्म कुंडली की पूरक होती है, इसको भी हम विवाहित सुख के लिए देखते हैं, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली के ग्रह नवांश कुंडली में किस स्थिति में है इस चीज को देखकर भी बहुत निर्भर करता है कि हमारा विवाहित जीवन कैसा रहेगा। विवाह के भावों में अगर पापी ग्रह हैं या पीड़ित ग्रह हैं, नीच ग्रह हैं, तो भी हमें विवाहित जीवन में सुख नहीं देते हैं, क्योंकि पापी ग्रह शुभ चीजों को में प्रतिकता ला देते हैं, हम वहाँ से अलगाव कर देते हैं, उस चीज का सुख नहीं भोगने देते। सप्तम भाव या सप्तमेश पाप कर्तरी में बन रहा है तब भी हमें विवाह का सुख नहीं मिल पाता है, हमारा जीवन घुटन भरा हो जाता है। सप्तमेश अगर अपने से आठवें भाव में है, छठे भाव में है, राहु और शनि के साथ है, तब भी हमें विवाह का जीवन का सुख नहीं मिल पाता। अष्टमेश अगर द्वितीय भाव में है, जो कि हमारे परिवार का भाव है, या चतुर्थ भाव में है, जो हमारे सुख का भाव है, सप्तमेश की स्थिति भी इन सब के साथ बन रही हो, तब भी हमें विवाहित जीवन का सुख नहीं मिल पाता। गुरु व शुक्र अस्त है, पाप प्रभाव में है या पाप कर्तरी में है, तब भी हमें विवाह के जीवन का सुख नहीं मिल पाता। सप्तम भाव में शुभ ग्रह की अनुपस्थिति हो, साथ में वहाँ पे सूर्य, शनि, राहु, मंगल हो, तो हम विवाहित जीवन में कटुता बनी रहती है, छोटे छोटे बातों पे हमारे जीवन में वाद विवाद बना रहता है। शुक्र ग्रह पंचम भाव में हो, द्वादश भाव में हो, या किसी अशुभ स्थिति में हो, तो किसी तीसरे के आने से हमारे विवाहित जीवन जो तलाक का कारण भी बन जाता है। छठे भाव का स्वामी भी अगर सप्तम भाव में हो, या सप्तम भाव का स्वामी भी छठे भाव में हो, तो हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद चलता रहेगा, किसी शक के घेरे में आकर हमारा जीवन तलाक तक पहुंच जाता है। लग्नेश व सप्तमेश अगर 2-12 की स्थिति में हो, या 6-8 की स्थिति में हो, तब भी हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन का सुख नहीं रहता। मांगलिक दोष या मंगल दोष के कारण भी हमारे जीवन में तलाक तक की समस्या आ जाती है। तो ये सब तो एक योग है। आइए हम जानते हैं क्या हमारी कुंडली में ये सब योग है, या हमारा जीवन तनाव में बना हुआ है, तलाक तक की नौबत आ चुकी है और हम नहीं चाहते कि अपने जीवन साथी से हम अलग रहें, तलाक लें। तो आइए कुछ उपायों का सहारा लेते हैं। हर मंगलवार को मंगल चंडिका व मंगल गौरी का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, पक्षियों को गुड़ से बनी हुई रोटी खिलाइए, जिससे कि हमारा विवाहित जीवन सुख में बना रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ मंगलवार को किसी मंदिर के बाहर लाल कपड़े में पतासे रखकर छोटे छोटे गरीब बच्चों को बांटिए, जिससे कि आपके जीवन में सुख कभी नहीं जाएगा, और आपको सलाह दी जाती है कि आप वह सब मिलकर करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। 7 अनाज पीस लीजिए, उसमें बूरा डालिए, उनको चींटियों को दीजिए, और गाय को रोज अपने घर से एक रोटी बनाइए, तुलसी माता को जल दीजिए, जिससे कि आपके वैवाहिक जीवन की कटुता समाप्त हो जाएगी। चांदी का सिक्का एक दूसरे को तोहफे में दीजिए, चावल लीजिए एक दूसरे से, वो छोटी सी पोटली बनाकर लाल कपड़े में रखकर अपने पास रखिए, जिससे कि एक दूसरे के अंदर शक या बहन की भावना आती है तो वह भी दूर हो जाती है। वास्तु के हिसाब से अगर आपका घर दक्षिण, पश्चिम या वायव्य दिशा में बना हुआ है, तब भी आपके जीवन में हमेशा क्लेश ही बना रहेगा। अब ये नहीं कि आप मकान ही बेच दीजिए, आप उपाय कीजिए, आप अपने घर की मेन प्लेट को पीले रंग से रंग दीजिए, या वहाँ पर एक पीले रंग का झंडा लगा दीजिए, या कोई भी ऐसा पीला रुमाल वहाँ टांग दीजिए, जिससे कि इस दोष से बचा जा सके। घर की छत पर भी एक पीला झंडा लगा सकते हैं। अपने बेडरूम में गुलाबी रंग का कलर करवाइए, साथ में छोटे छोटे गुलाबी रंग के पीले रंग के फूल रखिए, जिससे कि आपके जीवन में रोमांस बढ़ेगा। घर में सीलर ना आने दीजिए, न ही घर में पीपल को उगने दीजिए। आप घर के पश्चिम दक्षिण कोने में एक लव बर्ड्स का छोटा सा चित्र भी लगा सकते हैं,
और अपने विवाहित जब जिस समय आपका विवाह हुआ था उस समय का आप ऐसा चित्र लगाइए जिसमें कि आप दोनों बहुत ही प्रसन्न अवस्था में खड़े हैं। इन सब छोटे छोटे उपाय करने से हमारा मानना है कि आपके वैवाहिक जीवन में खुशी जरूर आती है और तलाक होने की नौबत भी कम हो जाती है। और इससे सबसे अच्छी उपाय ये बताया जाएगा कि आप इसे अगर अच्छे ज्योतिष को दिखाकर अपनी कुंडली में उपाय करते हैं वो उपाय आपका जरूर फायदा करते हैं, क्योंकि कुंडली में क्या दोष है, उन दोषों का निवारण किन उपायों से किया जाएगा ये तो एक अच्छे ज्योतिष की सलाह से ही किए कर सकते हैं। तभी आपको कहा जाएगा उपाय भी करिए तो विश्वास और श्रद्धा से कीजिए और किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर कीजिए। तो इसी के साथ हम अपने इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं, शीघ्र ही नए विषय के साथ आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी जरूर कीजिए और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।